अमृतसर कमिश्नर दौरा कर ली। अमृतसर कमिश्नर के थाना मजीठा रोड विखे 1 अप्रैल नूं एक बहुत वड्डी वारदात हुई सी, जिस विच एक नौजवान खंडियाले चौंक तो एक्टिवा ते सैनी चौंक की तरफ जा रहा सी। रस्ते विच उन्हां नूं 3 अणपछाते नौजवान ने रोकिया ते उन्हां नूं रोक के वह जिस एक्टिवा ते जा रहा सी उस एक्टिवा नूं खोह करके वह सैनी चौंक वल भज्जे सी। जिस तों बाद पुलिस ने हरकत विच आउंदिआं तुरंत मौके ते जो वारदात हुई सी उसका जायजा लिया। दोषी दे बयानां ते असीं तिन्ने अणपछाते नौजवानों के खिलाफ 379B के तहत मुकदमा रजिस्टर किया। पिछली अप्रैल की 17 तरीक नूं साडे अमृतसर सदर थाने दे विच ही एक मोटरसाइकिल जो स्नैच होया सी उस विच उन्होंने तीनों दोषी ते मोटरसाइकिल नूं रिकवर किया। जदों असीं उन्हां दोषियों कोलों पुछगिछ कीती सी तां उन्होंने उस दे विच मन्निया सीगा कि जो एक्टिवा दी खोह मजीठा रोड थाने विखे हुई सी वह वारदात भी उन्होंने वालों की गई है। बीती 22 तरीक नूं 22 मई नूं असीं इन्हां दोनों दोषियों नूं जिन्हां दा नाम आ बिट्टू भैया पुत्र नंदू यादव, दूसरा अजय वीर सिंह पुत्र बलजीत सिंह, दोनों दोषियों को प्रोडक्शन बन से अमृतसर जेल तो लैके आए हैं। इन्हों का सानू मानयोग कोर्ट वालों 2 दिन का पुलिस रिमांड मिले सी। हुण इन्हां दी पुछगिछ ते जदों असीं इन्हां कोलों उस एक्टिवा बारे पुछगिछ की तां इन्हां ने उस एक्टिवा की खोह बारे मन्निया ते इन्हां ने जो एक्टिवा खंडे वाला चौंक के नेड़े खोही सी वो एक्टिवा असीं इन्हां तों रिकवर कर ली है। बरामदगी करन तों बाद जदों असीं एक्टिवा की मालकी की तस्दीक करन की कोशिश की तां इन्हां ने जो उसका इंजन नंबर ते जैसी नंबर सीगा वह भी उत्थों मिटा दिता सी। जिस तों बाद दोनों दोषियों के खिलाफ 201 IPC ते 473 IPC का वाधा किया गया। हुण इन्हां दोनों दोषियों तों असीं इह एक्टिवा बरामद करके साडा इह मुकदमा जो कि ट्रेस होया वा। इस तों इलावा इन्हां दोषियों तों 2 दिन के रिमांड में होर भी पुछगिछ जारी है तां कि इन्हां ने होर कोई जे लुट्टां खोहां दी वारदातां कीतियां ने उन्हां बारे भी असीं अगे होर इन्हां तों कोशिश करांगे। सर जिहड़ी एक्टिवा बरामद कीती क्या इस एक्टिवा ते होर भी इन्हां ने कोई जुर्म कीते ने? इस बारे जी इन्हां तों पुछगिछ जारी है क्योंकि इह जो दोनों नौजवान ने यह इन्हों का बैकग्राउंड भी क्रिमिनल नेचर का वा। जो पहला दोषी बिट्टू भैया इसके खिलाफ टोटल 3 मुकदमे दर्ज ने। इस तो पहला इसने 336 का, दूसरा इन्हों आर्म्स एक्ट का, तीसरा 157 रंजीत अहमद हुई है, चौथा मुकदमा जो सदर में इन्होंने मोटरसाइकिल की खोह की। जो दूसरा दोषी अजय वीर सिंह इसके खिलाफ इस तो पहला एक चोरी का मुकदमा मजीठा रोड विखे तो एक खोह का मुकदमा सदर विखे दर्ज है। सो सानू पूरी आस है कि इन्हों की अगलेरी पुछगिछ में इन्होंने होर भी वारदातें की हो सकती ने तो इन्हों अगली पुछगिछ जारी है तो इन्हों तो होर भी रिकवरी होने के पूरे चांस। ये जो तिने दोषी ने जी, तीसरा दोषी इन्हों वालों सानू इहदा नाम दस दिता गया वा जिसका नाम इन्हें लव नाम से दसिया, जो असं पूरा नाम तस्दीक करके उन्होंने भी मुकदमे नामजद करा। ये तिने दोषी रात के टाइम 9-10 बजे निकलते थे किसी अपने मोटरसाइकिल से निकलना, जो भी इन्हों कोई कमजोर विक्टम कोई कला जा रहा बंदा जां कोई किसी यहोजी जगह पर जिते भी आस पास नहीं है ये उसके मूहरे जाके रोकते सी जां उन्होंने जाके एक्सीडेंट करते सी। जो बंदा बहस करना लगता तो उन्होंने किसी ना तरीके ना डरा के उस तो एक्टिवा या मोटरसाइकिल जो भी उसके टू व्हीलर है वो खो के भज जाते। यह वारदातें इन्हों सामने आई हैं। इस तो अलावा इन्हों के खिलाफ चोरी के आर्म्स एक्ट के भी मुकदमे पहले दर्ज ने। सो सानू पूरी आस है कि इन्हों को होर भी सानू किसी वैपन की या होर भी चोरी के घटनावां की रिकवरी हो सकती है। जो इन्होंने स्नैचिंग अज तक सामने आई है हजे तक वहीकल की सामने आई है, एक मोटरसाइकिल इन्होंने जो सदर विखे खोया से एक एक्टिवा इतने मजीठा रोड खोई है। सो होर भी इन्हों पुछगिछ जा रही है तो होर भी हो सकता कि इन्होंने पूरी वारदात मन रहे हैं। सो आस है कि होर भी रिकवरी होगी जिवें इह मुकदमा दा ट्रेस होया। सर व्हीकल खोह के करदे की सी व्हीकलां दा? इह इन्हां व्हीकल्स नूं जी अगे वेच भी दिंदे सी ते होर वारदातां करन वास्ते वरदे सी क्योंकि जिवें इन्हां दे खिलाफ पहलां आम जग ते चोरी दे मुकदमे ने। सो इहो जिहियां वारदातां करन वास्ते इह चोरी दे जां स्नैच दे व्हीकल यूज करदे सी तां कि इह किसी तरीके नाल फड़े ना जावे। माननयोग कमिश्नर ऑफ पुलिस अमृतसर श्री नौनियाल सिंह उन्हां दीआं हदायतां ते कम करदे होए कल साढ़े अमृतसर के थाना सिविल लाइनस विखे ASI बलविंदर सिंह की अगवाई नॉवल्टी चौंक तो जो डीमार्ट रास्ता जाता वा उत्थे साढ़े पुलिस वालों भैड़े पुरशों की तलाश में
नाकाबंदी की गई सी ते उते सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है जिस दे तहत एक पीबी 46Z9906 गड्डी जदों नाके ते पहुंची तो साढ़े मुलाजमान वालों बड़ी ही सख्ती नाल चैकिंग की जा रही थी। जदों असी इसते जो सवार साजन शर्मा पुत्र सुखदेव राज वासी केम करन दी असी तलाशी लई तो सानू उहदे कोलों एक 32 बोर नजायज पिस्तल इसके अलावा 5 जिंदा रौंद बरामद हुए। उसके नाल जो दूसरा राहगीर सी ईरचंद पुत्र चमन लाल वासी खेमकरन सो इन्हों दोनों दोषियों तो जो असी यह बरामदगी की उन्होंने तो इस चीज़ बारे कोई उन्होंने को लाइसेंस है तो मंगया बट यह देसी पिस्टल सीगा जो कि नजायज वैपन सीगा जिस तो बाद असी इन दोनों दोषियों के खिलाफ 25 आम जगत के तहत मुकदमा रजिस्टर किया। इन दोनों दोषियों को कल असी अरैसट करके अज कोर्ट के पेश कर रहे हैं। जो ये दोनों दोषी ने इन्हों के खिलाफ पहला कोई भी मुकदमा रजिस्टर होना अजे तक सामने नहीं आएगा बाकी रिमांड लैके इन्हों की अगलेरी कोशिश करा इस भी सूँ उम्मीद है कि इन तो होर वैपन की रिकवरी भी हो सकती है। इन्ह की पुछगिछ की इन्हों का परपज से घूमन का जी वारदात करने की तादाद के सन सो इस चीज़ बारे असी होर रिमांड कराने में तो कोशिश करा इस बारे जी जो इन्हों पुछगिछ जो अगलेरी पुछगिछ हुई है उस अजे तक सूँ इन्होंने कुछ इस चीज़ बारे नहीं दसिया बट अज असी इन्हों का मान्यो कोर्ट को रिमांड लवेंगे। रिमांड के अगे असी इन्हें बैकवर्ड लिंकेज कितों यह वैपन लैके आए थे कि किस काम वास्ते किस परपज वास्ते इन्होंने वैपन अपने को रखा हुआ है इसकी पूरी डिटेल के जांच करा इस जांच तो बाद इस गलू दस सकते हैं कि इसका की परपज से कितों लैके आए ये देसी पिस्टल है जी 32 बोर कंट्री मेड पिस्टल आए तो इस तुला इस 5 जिंदा रौंद भी नाल उन्होंने को यह वैपन इन्होंने को रिकवर हुआ है।